हेलो एवरीवन। तो अभी तक हमने अपने चैप्टर हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स में दो लेक्चर्स कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हम ये प्रिपरेशन ऑफ हैलाइड्स, बेसिकली प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स बाय फ्रॉम अल्कोहल हमने डिस्कशन किया था, और हमने फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन भी यूज किया था, एंड मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी कराए थे। और मैंने आपको दो रिएक्शंस भी बताया था, SN1, SN2, एंड लास्ट में मैंने एक SNI रिएक्शन भी बताया था आपको, जिसमें ROH जो है एल्कोहल एक थायमिल क्लोराइड से रिएक्शन करता है एंड हमें जो है वो अल्काइल हैलाइड मिलता है। तो आइए अपने डिस्कशन को फर्दर आगे बढ़ाते हैं। आज हमें पढ़ना है कि बायो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो हमें हेलोरिन्स का प्रिपरेशन करना है वो है, एंड अगर आप सी देख रहे हैं तो उसमें सैंडमेयर रिएक्शन दिया हुआ है। बेसिकली दो रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एंड सैंडमेयर रिएक्शन। आपको मैं बता दूं कि ये जो रिएक्शन है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एंड सैंडमेयर रिएक्शन, ये आगे अभी इसी चैप्टर में दो तीन लेक्चर होने के बाद, जब आपको एक्टिवेशन ग्रुप, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप एंड उनकी सारी चीज़ें पता हो जाएंगी, तब तो हम इनको अगर पढ़ेंगे तो वो हमारे लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा। क्योंकि अभी मैं सिर्फ आपको ये बता दूं कि इस तरह से होगा तो दैट विल बी नॉट ओके फॉर यू। आपको समझ में नहीं आया कि एक्चुअली ये हुआ कैसे, तो आप थोड़ा पेशेंस रखें। ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एंड सैंडमेयर रिएक्शन जो है हम अभी आगे डिस्कशन करेंगे, बट बिफोर दैट हम प्रिपरेशन फ्रॉम एल्किन्स को देख लेते हैं। देखिए बेसिकली एल्किन्स जो हैं लेट्स से हमने कोई एल्किन ले लिया, इन जनरल कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं यहाँ पर CH3 ग्रुप है, ये कुछ भी हो सकता है। तो हमने क्या किया कि अब चूंकि यहाँ पर कोई लिविंग ग्रुप वगैरह है नहीं, अब सिंस कोई लिविंग ग्रुप वगैरह है नहीं तो इसमें सब्स्टिट्यूशन तो हो नहीं सकता। लेट्स मैं अगर मान लीजिए यहाँ पर CH3 ऐड कर दूँ, यहाँ पर हाइड्रोजन एंड यहाँ पर CH3 एंड यहाँ पर CH2 CH3। अब चूंकि यहाँ पर कोई लिविंग ग्रुप वगैरह नहीं है, एंड सिंस लिविंग ग्रुप नहीं है दिस इज नॉट पॉसिबल फॉर सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन में आपको बताया था कि लिविंग ग्रुप की होना मैंडेटरी है, एंड लिविंग ग्रुप होते ही होते हैं, ताकि वो निकलेंगे तभी कोई न्यूक्लियोफाइल आके सब्स्टिट्यूट होगा। तो यहाँ पर जो रिएक्शन होती है वो होती है एडिशन रिएक्शन, जो अल्किन्स फेवर करते हैं। अल्किन्स भी होते हैं एंड अल्काइन्स भी होते हैं, तो ये एडिशन रिएक्शन को फेवर करते हैं। अब बात आती है कि एडिशन रिएक्शन होता क्या है। एडिशन रिएक्शन कुछ इस तरह से होता है कि हम किसी भी रिएजेंट से अगर इसके हम रिएक्शन कराएं, लेट से हमने कोई एसिड ले लिया HBr, तो अगर आप ध्यान से देखें तो HBr एक एसिड है, सॉल्यूशन में जाएगा तो H+ एंड Br- में ब्रेक होगा। जब ये इस तरह से ब्रेक होगा तो ये जो न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर रहा है Br-, वो एक डबल बॉन्ड को तोड़ के ऐड होगा एंड फर्दर H+ ऐड होगा। अब कैसे होगा आपको बताते हैं। ये ब्रोमाइड आयन जो है लेट से सॉल्यूशन में इस तरह से है, इसके चारों तरफ है इकट्ठा। ये ब्रोमाइड आयन क्या करेगा कि इस वाले डबल बॉन्ड के कार्बन को अटैक करेगा। अब चूंकि ये अटैक करेगा यहां पर, तो यहां से ये बॉन्ड टूट जाएगा, हमने क्या किया, हमने माना कि ये ब्रोमीन जो है वो इस कार्बन पे अटैक किया। ये ब्रोमीन जब इस कार्बन को अटैक करेगा तो ये ब्रोमीन से ऐड हो गया,
अब ये जब ऐड हुआ तो ये बॉन्ड इधर की तरफ टूटा क्योंकि ये माइनस है, तो इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनने के लिए इसको प्लस होना पड़ेगा। अगर हम इस बॉन्ड को तोड़ते हैं, लेट से इस बॉन्ड को हम तोड़ते हैं, तो यहाँ पे प्लस देंगे, यहाँ पे माइनस देंगे। फॉर अंडरस्टैंडिंग मैं आपको बता रहा हूँ कि ये माइनस है तो इसको प्लस होना पड़ेगा फॉर बॉन्डिंग, एंड बॉन्डिंग के लिए चूंकि इसको प्लस होना पड़ेगा तो ये माइनस हो जाएगा क्योंकि ये बॉन्ड टूटेगा, तो एक प्लस जाएगा एक माइनस जाएगा। हमने माना कि ये प्लस है, इसे अटैच हो गया ब्रोमीन और इस पर माइनस चार्ज आया। अब फर्दर क्या होगा कि जो एच प्लस है सॉल्यूशन में वो इस माइनस पर अटैच हो जाएगा, तो यहाँ पर आएगा बी आर सी एच थ्री हाइड्रोजन सी सी एच थ्री सी एच टू सी एच थ्री एंड हाइड्रोजन। इसमें क्या हुआ, इसमें अगर आप देख सकते हैं तो एक पाई बॉन्ड टूट के दो सिग्मा बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। इसमें क्या हुआ, एक पाई बॉन्ड दो सिग्मा बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। दिस इज एडिशन रिएक्शन, एंड सिंस इसमें जो फर्स्ट अटैक है वो न्यूक्लियोफाइल का है, इसमें जो फर्स्ट अटैक है इस डबल बॉन्ड पे वो न्यूक्लियोफाइल का है, जिसको हम फर्दर अगर क्लासिफाई करें तो ये एक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा। अगर हम फर्दर आगे बढ़ें तो एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम। हमने इस बार एक अल्किन लिया, ये कौन से अल्किन है, ब्यूटीन है, 1 2 3 4 टू ब्यूटीन है। तो अब हमें एडिशन रिएक्शन कराना है एच आई का, अगेन ये एसिड, ये एच प्लस एंड आई माइनस में टूट जाएगा सॉल्यूशन में जाते ही। अब किसी एक कार्बन पर हमें आयोडीन लगाना है, एक पर हाइड्रोजन लगाना है। अब चूंकि दोनों कार्बन सेम टाइप के हैं, इससे भी एक सी एस थ्री अटैच है, एक हाइड्रोजन अटैच है, इससे भी हाइड्रोजन एक अटैच है, इससे भी सी एस थ्री अटैच है, तो हम कोई भी किसी पर भी अगर ऐड कर दें तो हमारा आंसर गलत नहीं होगा, क्योंकि जब तक डिफ्रेंसिएशन मतलब डिफरेंट ग्रुप्स नहीं होंगे तब तक हमारे लिए कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। हमने क्या किया कि सी एस थ्री और हमने आयोडीन यहाँ पर लगा दिया, एंड यहाँ पर सी एस थ्री हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, एक पाई बॉन्ड के जगह पर दो सिग्मा बॉन्ड हुए फॉर्म हुए। बेसिकली यहाँ पर एक पाई बॉन्ड टूट के दो एडिशन हुआ, इसलिए हम इसे एडिशन रिएक्शन बोलते हैं। यहाँ तक समझ में आया। अब बात आती है कि ये तो सिमिलर हुआ, क्या हो अगर ये सिमिलर ना हो, दोनों ग्रुप्स दोनों साइड के अलग अलग हों। लाइक हमने एबव एग्जांपल जो लिया था, फिर से हम वही एग्जांपल ले लेते हैं। सी एच थ्री एंड हाइड्रोजन और एच आई से हमने रिएक्शन करा दिया। अब इसमें एडिशन रिएक्शन में क्या होगा, अल्किन हमें गिवेन है, हमने एच आई ऐड किया सॉल्यूशन में, एच आई ऐड किया तो ये अगेन एच प्लस एंड आई माइनस में कन्वर्ट होगा। अब चूंकि ये लेफ्ट वाला कार्बन एंड राइट वाला कार्बन डिफरेंट है, क्योंकि इससे सी एस थ्री मिथाइल एंड हाइड्रोजन अटैच है, एंड इससे एक मिथाइल एंड इथाइल ग्रुप सी एस टू सी एस थ्री अटैच है, मतलब दोनों पोजिशंस तो डिफरेंट है,
हमें चूज करना होगा कौन किस पे ऐड करेगा, क्योंकि हमारे चूज करने पर ही ये डिसाइड होगा कि कौन सा ग्रुप फॉर्म होगा। तो इसके पास जो होता है सबसे बेस्ट वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अगर की हम बात करें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की, अगर हम बात करें तो क्या होगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में क्या होगा, जब न्यूक्लियोफाइल ऐड कर रहा था, फर्स्टली अटैक कर रहा था, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन था, आई एम सॉरी यहाँ सब्स्टिट्यूशन नहीं एडिशन होगा, क्योंकि यहाँ पे एडिशन रिएक्शन शो करता है अल्किन, तो ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हुआ। मतलब इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होगा एंड देन न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा। इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होने का मतलब एच प्लस, यहाँ पे एच प्लस इलेक्ट्रोफाइल है। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल किसको बोलते हैं, और आई माइनस हमारा न्यूक्लियोफाइल है। अब इलेक्ट्रोफाइल जब अटैक करेगा सी डबल बॉन्ड सी सी एच थ्री सी एच टू सी एच थ्री एंड हाइड्रोजन प्लस जो है एच प्लस हमारा सॉल्यूशन इस तरह से है। अब इलेक्ट्रोफाइल वहां पर अटैक करेगा जहां पर मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट हो। क्या मैंने जो कहा वो सुना दिया आपको, ये जो इलेक्ट्रोफाइल है एच प्लस वो उस कार्बन पर अटैक करेगा जहां पर हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा हो। मतलब अगर हम इस कार्बन पर देखें तो इस पर एक हाइड्रोजन है, इधर कोई हाइड्रोजन नहीं है क्योंकि यहाँ पर सी एस थ्री है, हम डायरेक्ट कनेक्टिविटी देखते हैं। और अगर हम इस कार्बन को देखें तो ये कार्बन पे एक भी हाइड्रोजन नहीं है, मतलब हाइड्रोजन की नंबर यहाँ पर ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पर जीरो है यहाँ पर वन, तो ये हाइड्रोजन जो है इसी कार्बन पर अटैक करेगा एंड ये बॉन्ड जो है वो टूट जाएगा। अब चूंकि ये एच प्लस है तो ये बॉन्डिंग करने के लिए इसको माइनस होना पड़ेगा, और माइनस होने का मतलब बॉन्ड इधर का ही टूटेगा। ये बॉन्ड की क्लीवेज आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, ये बॉन्ड ये राइट साइड नहीं टूटेगा क्योंकि ये बॉन्ड जिधर हम दिखाते हैं एरो उस पर माइनस चार्ज आता है एंड जिस पर अपोजिट साइड जो कार्बन होता है उस पर प्लस चार्ज आता है, ये आप ध्यान दें। तब जब इस पर सी माइनस होगा, जब ये कार्बन आयन बनेगा तो ये एच प्लस से ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा सी एच थ्री हाइड्रोजन एंड अब हाइड्रोजन ये वाली हाइड्रोजन यहाँ से ऐड हो गई। अब यहाँ पर एक पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, ये हो गया सी एच थ्री एंड ये हो गया सी एच टू सी एच थ्री। अब यहाँ पर एक प्लस चार्ज आ गई, अब इस प्लस चार्ज को आई माइनस के साथ रिएक्शन करा देंगे क्योंकि एच प्लस फर्स्ट ऑफ ऑल रिएक्शन किया है, तो ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन हुआ। अगर न्यूक्लियोफाइल सबसे पहले अटैक करता तो वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है। इलेक्ट्रोफाइल अटैक किया तो हमारा क्या होना, ये सी एच थ्री हाइड्रोजन हाइड्रोजन सी सी एच थ्री सी एच टू सी एच थ्री एंड यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमारा आयोडीन लग जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर प्लस था और हमारा माइनस है तो प्लस माइनस एक में ऐड हो जाएंगे। आप हमेशा ये देखिएगा क्योंकि प्लस और प्लस में तो रिपल्सन होगा, लाइक चार्जेस रिपेल इच अदर, आप सभी लोग को पता है, एंड अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट इच अदर, तो इसीलिए हमारा जो प्रोडक्ट होगा कुछ ये बनेगा। यहां तक बात समझ में आई, आइए और एग्जांपल्स देखते हैं। लेट्स से हमने कुछ इस तरह से एग्जांपल लिया, सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच सी एच टू सी एच थ्री।
ये भी हमारा ब्यूटीन है, वन ब्यूटीन है ये। अब हमें इस पे एडिशन रिएक्शन कराना है। लेट्स से हमने HBr का एडिशन करा है, ये H प्लस एंड ये Br माइनस। ये H प्लस वहाँ पर अटैक करेगा जहाँ पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स ज़्यादा हों। इस रूल को जो है हम मार्कोनिकोफ रूल बोलते हैं। इस रूल को हम मार्कोनिकोफ रूल बोलते हैं कि वो हाइड्रोजन जो है रिएक्शन का, रिएजेंट का, वो उसी कार्बन पर अटैच होगा जहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स ज्यादा हों। इसी को हम मार्कोनिकोफ रूल बोलते हैं, जिससे कि हमारा जो प्रोडक्ट फाइनल बने वो स्टेबल प्रोडक्ट बने। तो हम H प्लस वहीं ऐड करेंगे जहाँ पर हाइड्रोजन एटम्स की नंबरिंग ज़्यादा हो। यहाँ पर सिर्फ एक हाइड्रोजन है और यहाँ पर दो हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन कहाँ पर ऐड होगा? लेफ्ट वाले कार्बन पर ऐड होगा। तो हमने क्या किया, यहाँ पर हाइड्रोजन ऐड कर दिया। अब ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। और जब ये टूटा, जब H प्लस इस पे अटैक किया, एडिशन हुआ, तो ये बॉन्ड इधर का टूटा। जब ये बॉन्ड इधर का टूटा तो अब यहाँ पर प्लस था, तो अब यहाँ पर Br माइनस ऐड हो जाएगा। ये होती है एडिशन रिएक्शन। ये एडिशन रिएक्शन वाया इलेक्ट्रोफाइल है तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा। अगर यही न्यूक्लियोफाइल सबसे पहले अटैक करता तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता। एंड अगर फ्री रेडिकल सबसे पहले यूज होता तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सॉरी फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन होता। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, उसके बाद हम अपना फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन भी देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स में यूज हुआ है। तो आइए एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। और नेक्स्ट एग्जाम्पल की हम बात करें तो CH2CH3CH3 and CH3। हमें इस बार रिएक्शन कराना है एक बार HI से हमें रिएक्शन कराना है। अगेन सेम रूल, हम मार्कोनिकोफ रूल के हिसाब से एडिशन रिएक्शन कराएंगे। मार्कोनिकोफ रूल क्या बोलता है? मार्कोनिकोफ रूल बोलता है कि हाइड्रोजन जो है रिएजेंट का H प्लस, वो वहीं पर ऐड होगा जहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स ज्यादा हो। तो यहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम वन है, यहां पर मतलब इस साइड तो कुछ है ही नहीं, मतलब कार्बन अटैच है, इसको हम काउंटिंग नहीं करेंगे इन हाइड्रोजन को, हम डायरेक्ट कनेक्टिविटी ही देखते हैं। और इस साइड कोई भी हाइड्रोजन अटैच नहीं है, तो हाइड्रोजन एटम हमारा राइट साइड लगेगा इसमें। सी हाइड्रोजन CH2CH3 हाइड्रोजन। अब जिस पे हाइड्रोजन लगा उसको छोड़ के दूसरे वाले कार्बन पे हम क्या लगा दें? आयोडीन लगा दें। यहाँ पर CH3 आ जाएगा एंड यहाँ पर CH3 आ जाएगा। ये हो गया हमारा एक पाई बॉन्ड, दो सिग्मा बॉन्ड। ये एक पाई बॉन्ड जो था वो ब्रेक हुआ और दो सिग्मा बॉन्ड्स में फॉर्म हुआ। और ये दो ग्रुप्स का एडिशन हुआ, एक हाइड्रोजन का एक आयोडीन का, तो इसीलिए हम इसको एडिशन रिएक्शन बोलते हैं। क्या यहाँ तक बात क्लियर है? तो आइए आगे चलते हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं कि फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन कैसे होते हैं। अगर फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन की हम बात करें तो फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन एंड जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, सॉरी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो है उसमें सिमिलैरिटी होती है। फर्क बस इतना होता है कि वहां पर आपको ये परोक्साइड सॉल्यूशन में नहीं दिखेगा। जब भी आपका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन या इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा तो उसमें परोक्साइड नहीं ऐड किया जाता है। ये परोक्साइड के वजह से ही इसकी जो मैकेनिज्म होती है वो एक रेडिकल के थ्रू होती है, फ्री रेडिकल के थ्रू होती है।
अब ये परोक्साइड कुछ भी हो सकता है, ये H2O2 हो सकता है ना, मतलब ये कोई भी ग्रुप हो सकता है। लेट से हमने मान लिया कि एक परोक्साइड की देन है और मैंने एक परोक्साइड का नाम बता दिया जिसे H2O2 का। अब बात आती है ये एक और परोक्साइड हो सकता है आपका, लेट से ROOR, ये भी एक परोक्साइड है। परोक्साइड किसे बोलते हैं जिसमें ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड हो। अगर परोक्साइड है तो परोक्साइड की वजह से क्या होता है कि जो हमारा ROR जो है ये हल्का सा है हीट, जैसे रूम टेम्परेचर पे ही, रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस पे ही जो है ये टूट जाता है और इसका होमोलाइटिक क्लीवेज हो जाता है। होमोलाइटिक क्लीवेज का मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन इसका इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन इसका इसके पास, ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूटता है। जब टूटता है तो ये 2 times RO रेडिकल में फॉर्म होता है। अब जो ये RO रेडिकल है वो HBr से रिएक्ट करता है और HBr भी होमोलाइटिक, अब ये O रेडिकल जो है ये इस H रेडिकल पर अटैक करता है और ये इन दोनों का भी होमोलाइटिक क्लीवेज करा देता है। ये हाइड्रोजन और O रेडिकल मिलके अल्कोहल फॉर्म कर लेते हैं, O रेडिकल और H रेडिकल मिला के एक बॉन्ड बना लेते हैं ROH प्लस एक Br रेडिकल फॉर्म होता है। तो आप देख सकते हैं कि सॉल्यूशन में जो हम पिछली रिएक्शन मैंने जिस कराई थी उसमें जो फॉर्म हो रहा था या तो एक न्यूक्लियोफाइल हो रहा था, एक इलेक्ट्रोफाइल हो रहा था, बट इन दिस केस यहाँ पर एक रेडिकल फॉर्म हो रहा है। रेडिकल फॉर्म हो रहा है मतलब ये रेडिकल रिएक्शन है, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। अब इस पर एडिशन ही होना है तो फ्री रेडिकल एडिशन होगा। अब बात आती है कि ये फ्री रेडिकल एडिशन होगा कैसे। तो जो हम पिछले एडिशन करा रहे थे वो हमारा मार्कोनिकोव रूल के हिसाब से हो रहा था। मार्कोनिकोव रूल मैंने आपको बताया कि जिस पे हाइड्रोजन जिस कार्बन पे ज़्यादा होंगे उस पर जो है हमारा हाइड्रोजन अटैच होगा। बट इन दिस केस फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन एंटी मार्कोनिकोव रूल एडिशन रिएक्शन होती है। एंटी मार्कोनिकोव मतलब जस्ट अपोजिट टू मार्कोनिकोव रूल, मतलब उस वाले में हमने ज़्यादा हाइड्रोजन जहाँ थे वहीं पर हाइड्रोजन अटैच कर रहे थे, बट इन दिस केस जहाँ पर कम हाइड्रोजन होंगे वहाँ पर हाइड्रोजन को अटैच करेंगे एंड जो दूसरा कार्बन होगा वहाँ पर हम जो ब्रोमीन होगा या आयोडीन जो भी रेडिकल होगा उसको करेंगे। तो जो यहाँ पर प्रोडक्ट बनेगा हमारा कुछ इस तरह से बनेगा, CH3 हाइड्रोजन। अब यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, हमें एंटी मार्कोनिकोव एडिशन कराना होगा क्योंकि यहाँ परोक्साइड है, परोक्साइड की वजह से ये फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन शो करेंगे। मैंने आपको दिखाया भी कि Br रेडिकल फॉर्म हो रहा है। तो ये जो है यहाँ पर लेस हाइड्रोजन नंबर ऑफ एटम्स है तो यहाँ पर हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा इस HBr का और रेस्ट जो कार्बन है राइट वाला वहाँ पर ब्रोमीन ऐड हो जाएगा। दिस इज फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन वाया फ्री रेडिकल, इस फ्री रेडिकल से एडिशन रिएक्शन हो रहा है ना। अब बात आती है कि इस मैकेनिज्म हम कंप्लीट कर लेते हैं, ये जो मैकेनिज्म हमने लिखा है कि ये प्रोडक्ट एक्चुअली आया भी कैसे। तो अब जो ये Br रेडिकल है वो इस अल्कीन पर ऐड होना चाहेगा, Br रेडिकल। तो अब ये Br रेडिकल उस कार्बन पर अटैक करेगा जिस पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स ज्यादा है, तो इसका भी होमोलाइटिक क्लीवेज होगा क्योंकि रेडिकल के लिए रेडिकल ही चाहिए रिएक्शन के लिए। तो यहाँ पे एक रेडिकल फॉर्म होगा
और ये रेडिकल इसके साथ रिएक्शन कर लेगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन ब्रोमीन CH3 हाइड्रोजन एंड ये रेडिकल आया। अब जो ये रेडिकल है फर्दर HBr से रिएक्ट करेगा, पहले इन दोनों को होमोलाइटिक क्लीवेज करा देगा। अब जो ये H है ये H इस रेडिकल से आके लग जाएगा और हमारा कुछ ये प्रोडक्ट फॉर्म होगा। आप देख सकते हैं एग्जैक्टली सेम प्रोडक्ट अबव का आया है, ये उसकी मैकेनिज्म है कंप्लीट। और अगर आप डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं तो आपको ये रखना होगा यार कि फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन में एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल यूज होता है। एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल हम उसे बोलते हैं जहां पर एडिशन रिएक्शन तो हो लेकिन जो लेस, जहां पर लेस हाइड्रोजन एटम्स हो वहां पर हाइड्रोजन का अटैक हो, मतलब वहां पर हाइड्रोजन अटैच हो हमारा। और मार्कोनिक ऑफ रूल में क्या हो रहा था, मार्कोनिक ऑफ रूल में जहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स ज्यादा थे वहां पर हम हाइड्रोजन को अटैच कर रहे थे टू गेट द डायरेक्ट प्रोडक्ट। मैंने इसका मैकेनिज्म भी आपको बता दिया। अब आइए हम आगे बढ़ते हैं। फर्दर जब हम आगे बढ़ेंगे तो एक एग्जांपल दिया हुआ है उसे हम डिस्कस कर लेते हैं। एग्जांपल कुछ इस तरह से है कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HI और हमें प्रोडक्ट बनाना है। तो आप बताइए यहाँ पर कोई परोक्साइड तो है नहीं, सिंस परोक्साइड नहीं है तो ये फ्री रेडिकल रिएक्शन नहीं होगा, और नहीं होगा तो आपको मार्कोनिक ऑफ रूल के हिसाब से एडिशन करा देना है। अब इस डबल बॉन्ड पे ही एडिशन होना है, या तो राइट वाले कार्बन पे होगा या फिर लेफ्ट वाले कार्बन पर होगा। अब मार्कोनिक ऑफ रूल के हिसाब से जहाँ पर हाइड्रोजन एटम ज़्यादा हों वहीं पर हमें हाइड्रोजन लगाना है एंड दूसरे कार्बन पर हमें आयोडीन लगाना है। तो आइए देखते हैं CH3 CH आयोडीन सिंगल बॉन्ड, क्योंकि डबल बॉन्ड टूट गया और यहाँ पर CH2 और हाइड्रोजन लग गया, एक ये प्रोडक्ट बन गया। एक दूसरा प्रोडक्ट जो बन सकता है वो कुछ इस तरह से बनेगा कि एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन हो जाए। बेसिकली क्या होता है कि आप जब रिएक्शन कराती हैं तो बहुत सारे मोल्स होते हैं। अब उन सारे मोल्स में हर एक की पार्टिकुलर रिएक्शन हो, हर एक की एक्टिवेशन एनर्जी हो और वो फिक्स्ड एक्टिवेशन एनर्जी से ही कोलाइड करें और रिएक्शन को आगे प्रोसीड करें तो ये काफ़ी डिफिकल्ट हो जाए। तो कुछ हमें ऐसी होती हैं जो हमें स्टेबल प्रोडक्ट होता है वो हमें मेजर मिलता है, मेजर मतलब उसकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है। एंड कुछ ऐसे भी प्रोडक्ट होते हैं जो माइनर फॉर्म होते हैं जिनकी क्वांटिटी बहुत कम होती है बट होती है। तो यही एग्जांपल में आपको दिया गया है कि जो दूसरा प्रोडक्ट फॉर्म होता है वो कुछ इस तरह से है CH3 CH2 CH2 एंड आयोडीन। ये आप ध्यान से अगर देखें तो ये एंटी मार्कोनिक प्रोडक्ट है यहाँ पर जो एडिशन हुआ वो एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन हुआ है एंड यहाँ पर जो हुआ है मार्कोनिक ऑफ एडिशन हुआ है। एंड एज यू नो मैंने आपको बताया कि सिंस परोक्साइड नहीं है तो हमारा मार्कोनिक ऑफ प्रोडक्ट जो है एडिशन ही होगा और यही हमारा मेजर प्रोडक्ट फॉर्म करेगा। एंड जो एंटी मार्कोनिक ऑफ प्रोडक्ट होगा वो माइनर होगा। अगर हम यहीं पर परोक्साइड अगर ऐड कर देते हैं, लेट्स से हमने सेम सब्सट्रेट रखा और रिएजेंट भी सेम रखा, फर्क बस इतना है
कि हम यहाँ पर कोई लेट्स से परोक्साइड ऐड कर देते हैं, आर ओ ओ आर। तो एक इम्पॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं, परोक्साइड इफेक्ट जो है, जो एंटी मार्कोनिको फेडिशन का जो इफेक्ट है, वो सिर्फ और सिर्फ HBr पे ही एप्लीकेबल होता है। रेस्ट और भी जितने भी हैं, जैसे HCl हो गया, HI हो गया, तो इनके ऊपर वो रिएक्शन नहीं होता। अब बात होता है कि क्यों नहीं होता है? मैं आपको बताऊंगा, बट इन दिस केस आप देखिए, इन दिस केस जो होगा परोक्साइड इफेक्ट नहीं होगा और हमारा जो प्रोडक्ट मेजर बनेगा वो मार्कोनिको प्रोडक्ट ही होगा, CH3 मार्कोनिको प्रोडक्ट। मतलब जहां पर ज्यादा हाइड्रोजन वहां पर हाइड्रोजन अटैच, और जहां पर लेस हाइड्रोजन वहां पर आयोडीन, ये हमारा मेजर होगा। मतलब इसकी परसेंटेज ज़्यादा होगी, एंड जो हमारा एंटी मार्कोनिको प्रोडक्ट होगा वो हमारा माइनर होगा। अब आप कहेंगे कि सर आप तो ऊपर परोक्साइड के हिसाब से आपने एंटी मार्कोनिको प्रोडक्ट को मेजर बताया था, लेकिन आप ध्यान से देखें तो वहाँ पर जो हमने रिएजेंट यूज किया है वो HBr है, एंड HBr के केस में ही एंटी मार्कोनिको रूल इफेक्टिव होता है। रेस्ट आप कोई भी ले लें, HCl ले लें या HI ले लें, उसमें जो है फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? अगर हम HCl की बात करें या अगर हम HI की बात करें, ऊपर जो हमने HI लिया है, HI की साइज जो होती है वो बहुत बड़ी होती है। ये HI जो है H रेडिकल होमोलाइटिक क्लीवेज कराया हमने, जैसे ऊपर हमने कराया था। अच्छा, आई रेडिकल बना तो इसकी जो आई की साइज है वो बहुत बड़ी होती है, और इस पे जो रेडिकल होते हैं कुछ इस तरह से सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, और साइज बड़े होने की वजह से ये इनको स्टेबलाइज भी कर लेता है, और फर्दर एक और आई रेडिकल से रिएक्ट करके ये आयोडीन गैस रिलीज कर देता है। तो हम तो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एंटी मार्कोनिको प्रोडक्ट बनेगा, बट एक्चुअल में देखा गया एक्सपेरिमेंटली कि यहाँ तो I2 गैस रिलीज हो रहा है। तो ये मैकेनिज्म कहा गया कि जो एंटी मार्कोनिको प्रोडक्ट है वो इन द केस ऑफ HBr ही होगा स्टेबल। मतलब अगर HBr है और परोक्साइड है तभी एंटी मार्कोनिको प्रोडक्ट स्टेबल बनेगा एंड मेजर बनेगा, अदरवाइज मार्कोनिको रूल ही आपको फॉलो करना है। तो आप याद इस तरह से रख सकते हैं कि HBr के केस में ही एंटी मार्कोनिक मतलब परोक्साइड इफेक्ट यूज होगा, और रेस्ट कोई भी हो लाइक HI हो, HCl हो, तो उसमें हमें मार्कोनिको प्रोडक्ट ही मेजर बनाना है, और जो एंटी मार्कोनिको प्रोडक्ट जो होगा बहुत ही जो मिनिमम अमाउंट में होता है उसे हम माइनर बोलेंगे। क्या यहाँ तक बात क्लियर है? एक और एडिशन दिया हुआ है, एडिशन कुछ इस तरह से है कि एडिशन ऑफ हैलोजन्स है, तो इसकी मैकेनिज्म उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये रिएक्शन मैंने सिर्फ आपको बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए डबल बॉन्ड है, ये इथीन मॉलिक्यूल है, इसकी हमने रिएक्शन करा दी Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 कार्बन टेट्रा क्लोराइड। अगर हम इस तरह से कराएं तो हमारा जो एडिशन रिएक्शन होगा वो एक ब्रोमीन का नहीं बल्कि दोनों ब्रोमीन का होगा, और कुछ इस तरह से होगा CH2 Br एंड Br, एक अबव साइड से आता है एक बिलो साइड से आता है, एंटी एडिशन होती है। ये हमारा एडिशन है और हमें जो है विसिनल डाइहैलाइड मिलता है। विसिनल डाइहैलाइड किसे बोलते हैं आपको मैं बताया था ऊपर,
फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि विसिनल एंड जेमिनल किसे बोलते हैं। जेमिनल उसे कहते हैं जब एक ही कार्बन पे दो हेलाइड हों, मतलब दो हेलोजन ग्रुप हों, और विसिनल उसे कहते हैं जो एडजेसेंट कार्बन पर एक एक हेलोजन ग्रुप अटैच हो। तो अगर हम इथिन का या फिर किसी भी अल्किन का Br2 या किसी भी हेलोजन ग्रुप से अटैक करें तो हमें विसिनल डाइहेलाइड फॉर्म होता है। तो आइए हम अब आगे फर्दर बढ़ते हैं। आगे जब आप बढ़ेंगे तो आपको कुछ एग्जांपल्स मिलेंगे। इसमें तीन क्वेश्चन हैं, आइए इन तीन क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर लेते हैं। और जो ये क्वेश्चंस बड़े हैं ईजी है, आपको मैंने इन तीनों क्वेश्चंस की थ्योरी आपको बता रखी है, तो आप इन्हें करना बहुत ही आसान हो जाएगा। यहाँ पर बेसिकली जो है लास्ट क्वेश्चन में परोक्साइड दिया हुआ है कि किसी भी तरह कोई परोक्साइड यूज हुआ है इसमें। तो आइए फर्स्ट को देखते हैं। फर्स्ट में क्या है कि जो हमें डबल बॉन्डेड सिस्टम जो है वो उसे हम HBr से रिएक्शन कराते हैं। HBr से मतलब क्या होगा, एडिशन होगा। मैंने आपको बताया कि डबल बॉन्ड के साथ एडिशन होते हैं। अब H और Br का एडिशन होना है, तो अब यहाँ पे कोई परोक्साइड तो गिवन है नहीं। जब भी HBr दिया हो तो आपको एक बार परोक्साइड चेक कर लेना चाहिए। अब इसमें परोक्साइड गिवन नहीं है, गिवन नहीं है तो मार्कोनिकोफ एडिशन कराएंगे मार्कोनिकोफ रूल के हिसाब से। मार्कोनिकोफ रूल के हिसाब से एडिशन कराएंगे एंड हाइड्रोजन आइटम वहाँ पर अटैच होगा जहाँ पर ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम्स होंगे, मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम्स। तो यहाँ पर हाइड्रोजन हमारा ज़्यादा था तो हमने यहाँ पर हाइड्रोजन अटैच किया, ऊपर हमारा बेंजीन लगा हुआ है और हम यहाँ पर ब्रोमीन ऐड कर देंगे। आप अगर इस तरह से देखना चाहें तो देख सकते हैं कि यहाँ पर सी है और यहाँ पर एक बेंजीन लगा हुआ है। हमने यहाँ पर हाइड्रोजन लगा हुआ था तो यहाँ ब्रोमीन लगा दिया एंड यहाँ पर सी हाइड्रोजन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स ज़्यादा थे, हमने वहाँ पर हाइड्रोजन लगा दिया और जहाँ पर लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम थे वहाँ ब्रोमीन लगा दिया। सिमिलरली HCl, अगर HCl में आपको परोक्साइड गिवन हो तो और न गिवन हो तो इसे परोक्साइड इफेक्ट नहीं यूज होता और आपको मार्कोनिकोफ रूल के हिसाब से ही एडिशन रिएक्शन करानी है। तो एडिशन रिएक्शन करा दें, CH3CH2CH, एक पाई बॉन्ड टूटेगा और CH2 फॉर्म होगा। अब एक पाई बॉन्ड टूटा, इन दोनों में एडिशन कराना है हमें टर्मिनल में। अब एडिशन के लिए फिर वही मार्कोनिकोफ रूल, जहाँ पे हाइड्रोजन एटम ज़्यादा वहाँ पे हाइड्रोजन और जहाँ पर लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम वहाँ पे क्लोरीन। अब चूंकि यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल क्लोरीन था तो क्लोरीन ऐड हुआ, अगर ब्रोमीन होता तो ब्रोमीन ऐड होता। अब इन दिस केस देखें, ये बेंजीन है CH2 CH CH2, हमने एक पाई बॉन्ड को तोड़ दिया क्योंकि हमें एडिशन कराना है। अब बात आती है कि HBr है और साथ में परोक्साइड गिवन है। परोक्साइड का मतलब क्या हुआ, अब ये फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन होगा और सिंस फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन होगा तो हम इसमें एंटी मार्कोनिकोफ रूल यूज करना होगा। हमें यहाँ पर एंटी मार्कोनिकोफ रूल यूज करना होगा एंड हमें अब हाइड्रोजन वहाँ पर लगाना होगा जहाँ पर लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स हो एंड ब्रोमीन वहाँ पर लगाना होगा जहाँ पर मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स हो। एंटी मार्कोनिकोफ रूल नाम से ही क्लियर है कि मार्कोनिकोफ रूल का जस्ट अपोजिट होगा। तो आप अगर मार्कोनिकोफ रूल को ही सिर्फ याद रखें तो आपको एंटी मार्कोनिकोफ रूल ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। और मार्कोनिकोफ रूल तो आपको पता ही है कि जहाँ पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स ज़्यादा होंगे वहीं पर हाइड्रोजन अटैच होगा और दूसरे वाले कार्बन पर न्यूक्लियोफाइल अटैच होगा। तो आइए अब फर्दर आगे बढ़ते हैं। ये एग्जांपल हमारा कंप्लीट हुआ। आगे हम हैलोजन रिएक्शन आती है, हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, जिसमें हमने दो रिएक्शन पढ़ने हैं। एक है फिंकलस्टन रिएक्शन एंड एक है हमारा स्वार्ट्स रिएक्शन। तो आइए देख लेते हैं इन्हें भी कि एक्चुअली ये होता क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस कर लेते हैं फिंकलस्टन रिएक्शन।
अब जो ये फिंकलेस्टन रिएक्शन है, आप अगर देखें इनको याद करने का मैं छोटा सा तरीका मैं आपको बता दूँ। फिंकलेस्टन रिएक्शन जो फ्लोरीन से स्टार्ट होता है, मतलब एफ से स्टार्ट होता है, नॉट फ्लोरीन से, एफ से स्टार्ट होता है, तो आप इस बात को याद रखें कि फिंकलेस्टन रिएक्शन एफ से स्टार्ट होता है तो इसमें फ्लोरीन नहीं बनेगा। और हम किसी भी आर एक्स, यहाँ पर हमारा एक्स या तो क्लोरीन होगा या तो ब्रोमीन होगा, फ्लोरीन नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने आपको बताया था जब नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड पढ़ाया था कि जो सी और एफ बॉन्ड जो होते हैं उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है, ड्यू टू विच उन्हें तोड़ पाना बड़ा मुश्किल होता है। ये भी एक तरह का क्या है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही है। यहाँ पर हमारा एक्स क्या है, लिविंग ग्रुप है। फर्दर हम क्या करेंगे, इसे हम रिएक्शन करा देंगे किससे, एन ए आई से। एन ए आई क्या है, सॉल्ट है एक, तो सॉल्ट एन ए प्लस एंड आई माइनस में फॉर्म होगा। ये हमारा न्यूक्लियोफाइल आ गया, ये हमारा न्यूक्लियोफाइल आ गया, और ये हमारा लिविंग ग्रुप है। लिविंग ग्रुप यहाँ से निकलेगा और न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, तो आर एन यू। अब न्यूक्लियोफाइल आयोडीन है तो आयोडीन अटैक किया, आयोडीन फॉर्म हुआ और हमारा एक्स माइनस निकल गया। मतलब अगर सी एच थ्री सी एच टू बी आर गिवेन है, इथाइल ब्रोमाइड, और अगर हमें इथाइल आयोडाइड बनाना है, तो अगर हम इसके रिएक्शन एन ए आई इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, एसीटोन एक सॉल्वेंट का काम करता है, इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन जो आयोडीन है इसमें एक्सचेंज हो जाएगा ब्रोमीन से, बेसिकली एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। ब्रोमीन लिविंग ग्रुप की तरह निकलेगा, आयोडीन न्यूक्लियोफाइल की तरह आके अटैक करेगा, तो सी एच थ्री सी एच टू आयोडीन एंड बी आर। ये है हमारा फिंकलेस्टन रिएक्शन। मैंने आपको बताया फिंकलेस्टन रिएक्शन में एफ, याद करने का तरीका एफ से स्टार्ट होता है, मतलब फ्लोरीन नहीं बनेगा। और दूसरी जो रिएक्शन है हमारी वह है स्वार्ट्स रिएक्शन। आइए इसको भी देख लेते हैं कि स्वार्ट्स रिएक्शन क्या होती है। यह भी बेसिकली एक हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है, स्वार्ट्स रिएक्शन। इसमें भी हम आर एक्स और एक्स अगेन हमारा या तो क्लोरीन हो सकता है या तो ब्रोमीन हो सकता है, ठीक। अगर हम इसकी रिएक्शन एस बी एफ फाइव या एच जी टू एफ टू किसी भी इनऑर्गेनिक फ्लोराइड सॉल्ट से अगर रिएक्शन हम करा दें, तो एक्स जो है लिविंग ग्रुप की तरह यहाँ पर निकल के आर एफ बना लेगा। ये हमारा हो गया अल्काइल फ्लोराइड। किसी भी अल्काइल हैलाइड, मतलब अल्काइल क्लोराइड हो या अल्काइल ब्रोमाइड हो, अगर हम किसी इनऑर्गेनिक फ्लोराइड सॉल्ट से इनका रिएक्शन करा दें, तो जो हमारा प्रोडक्ट होगा आर एफ होगा, अल्काइल फ्लोराइड होगा। लेट्स एग्जाम्पल सी एच थ्री बी आर हमें गिवन है, हमने इसके रिएक्शन एच जी टू एफ टू से करा दी। ये बेसिकली फ्लोराइड एन को सोल्यूशन में लाता है, तो ये लिविंग ग्रुप की तरह निकल जाएगा और फ्लोरीन आके ऐड हो जाएगा। ये होता है हमारा हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन में आपको दिख रहा है एक हैलोजन निकल रहा है, दूसरा आके लग रहा है, मतलब ये क्या है, एक हैलोजन्स का आपस में एक्सचेंज ही है। क्या जहाँ तक बात क्लियर हुआ, तो आइए फर्दर अब आगे बढ़ते हैं। अब जब इससे आगे हम बढ़ेंगे तो हमें इंटेक्स्ट क्वेश्चंस मिलेंगे। आइए इन इंटेक्स्ट क्वेश्चंस को एक बार हम देख लेते हैं कि क्या क्या होगा और कैसे होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन ये है कि व्हाई इज सल्फ्यूरिक एसिड नॉट यूज्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ एल्कोहल्स विथ पोटेशियम आयोडाइड। मतलब कह रहे हैं कि जब भी हम एल्कोहल्स के रिएक्शन पोटेशियम आयोडाइड के साथ कराते हैं, तो हम सल्फ्यूरिक एसिड को क्यों नहीं यूज करते। सल्फ्यूरिक एसिड में आपको बता दूं, H2SO4 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप इसको पढ़ेंगे कि सल्फ्यूरिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और अगर हम इसकी रिएक्शन और पोटेशियम आयोडाइड के सॉल्यूशन में इसको ऐड कर दें, तो ये H2SO4 जो पोटेशियम आयोडाइड के साथ ही रिएक्शन कर लेता है। हेंस वी नॉट यूज द सल्फ्यूरिक एसिड ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ एल्कोहल विथ पोटेशियम आयोडाइड। अब बात आती है कि ये ऐसा होता क्यों है,
तो कुछ इस तरह से होता है कि अगर हम H2SO4 प्लस पोटेशियम आयोडाइड को एक दूसरे में ऐड कर दें तो एक दूसरे से ही रिएक्शन कर लेते हैं सब, और पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट फॉर्म होता है एंड हाइड्रोजन आयोडाइड। दैट्स व्हाई वी डोंट यूज द सल्फ्यूरिक एसिड ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ एल्कोहल विद पोटेशियम आयोडाइड। ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन क्या है? सेकेंड क्वेश्चन करें राइट स्ट्रक्चर्स ऑफ डिफरेंट डाई हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ प्रोपेन। ये बेसिकली एक आइसोमेरिज्म का क्वेश्चन है, आइए इसको भी देख लेते हैं। हमारा प्रोपेन है, प्रोपेन मतलब 5, 1, 2, 3, 4, 5। हमें क्या कह रहे हैं कि राइट स्ट्रक्चर्स ऑफ डिफरेंट डाई हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ प्रोपेन, मतलब हमें जो ये पेंटेन मैंने आपको बना दिया, प्रोपेन में 1, 2, 3 प्रोपेन में हमें डाई हेलोजन्स को बनाने हैं डिफरेंट स्ट्रक्चर होने चाहिए, मतलब एक दूसरे क्या होंगे, आइसोमर्स होंगे। आइए देखते हैं कैसे कैसे हो सकते हैं। CH3, CH2 एंड CH3 है, ये हमारा प्रोपेन है, हमें डाई हेलोजन बनाने हैं। तो डाई हेलोजन कौन कौन से पॉसिबल हैं? डाई हेलोजन मतलब दो हेलोजन ग्रुप्स हमें लगाने हैं। अब इसमें ये नहीं कहा गया कि हमें जेमिनल बनाना है कि विसिनल बनाना है, मतलब हम जेमिनल भी बनाएंगे और विसिनल भी बनाएंगे। तो हम क्या करेंगे कि हम कोई भी एक जनरल हेलोजन ग्रुप को मान लेंगे, यानी मान लेंगे कोई हेलोजन ग्रुप इन जनरल X2 है। X2 आपका अब Cl2 भी हो सकता है, Br2 भी हो सकता है, I2 भी हो सकता है, इसे हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब बात आती है कि कौन कौन से पॉसिबल हैं। तो अगर हम CH3, CH2 इन दोनों कार्बन को ऐसे ही रहने दें, CH यहाँ के दो हाइड्रोजन्स को हम हेलोजन से अटैच कर दें, एक ये हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है? ये फर्स्ट होगा। दूसरा ये हो सकता है कि CH3, CH, CH2 हम इसके एक हाइड्रोजन को चेंज करें और इसके एक हाइड्रोजन को चेंज करें, ये जेमिनल डाइहैलाइड बनेगा। ये विसिनल डाइहैलाइड बनेगा, मतलब दोनों डिफरेंट हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर इसमें भी आप देखें तो क्या आएगा, C3 and 3, 1, 4, 2, 6 C3H6X2, मतलब कोई भी हेलोजन ग्रुप है इसमें भी देखें तो C3H6X2 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, मतलब दूसरे के आइसोमर्स होंगे। ये आपका सेकंड हुआ। थर्ड क्या हो सकता है पॉसिबिलिटी? थर्ड पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि इसी के दोनों हाइड्रोजन को एक्सचेंज कर दे, तब पर भी इसका फॉर्मूला सेम रहेगा C3H6X2 एंड ये जेमिनल डाइहैलाइड होगा। अब ये ग्रुप तो डिफरेंट है ना, क्योंकि अब हम इसकी जब रीनेमिंग करेंगे तो 1,1 डाइहैलाइड करेंगे, और यहाँ पर अगर हम करेंगे तो 2,2 करेंगे, कि नंबरिंग हम यहाँ से करेंगे तो 2,2, मतलब नंबरिंग चेंज होगा। अब बात आती है कि और की पॉसिबिलिटी है, ये हमारा सेकंड बना था, ये थर्ड। एक लास्ट पॉसिबिलिटी ये है कि क्यों ना हम टर्मिनल हाइड्रोजन्स जो हैं उन्हें एक्सचेंज कर दें, एक हाइड्रोजन यहाँ से एक हाइड्रोजन यहाँ से ले लें, तो भी हमारा C3H6X2 बनेगा, मतलब डाई हाइड्रोजन ही बनेंगे। तो ये आपको फोर्थ पॉसिबिलिटी हो गया, 1, 2, 3 एंड 4, मतलब टोटल कितने डिफरेंट डिफरेंट बनेंगे, 4। तो हमारा आंसर कितना होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू 4 आंसर आएगा हमारा। यही आपको बोला गया कि राइट स्ट्रक्चर्स ऑफ डिफरेंट डाई हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ प्रोपेन। यहाँ तक आपको समझ में आया?
अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अमॉन्ग द आइसोमेरिक अल्केन्स ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H12, मतलब ये बेसिकली पेंटेन है, आइडेंटिफाई दैट वन दैट ऑन फोटोकेमिकल क्लोरीनेशन यील्ड्स अ सिंगल मोनोक्लोराइड प्रोडक्ट। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आइए डिस्कशन करते हैं इसका। मतलब बहुत अच्छा क्वेश्चन नहीं, मतलब फिर भी ठीक है, मॉडरेट लेवल का है। अगर हम किसी इस क्वेश्चन को डिस्कस करें तो कह रहे हैं कि अमॉन्ग द आइसोमेरिक अल्केन्स ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H12, मतलब पेंटेन है, 1, 2, 3, 4, 5, ये हमारा होगा C5H12। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हम कह रहे हैं कि अमॉन्ग द फॉलोइंग आइसोमेरिक अल्केन्स ऑफ C5H12, आइसोमेरिक अल्केन्स मतलब इसके भी आइसोमर्स जो हैं, हमें उनमें से चूज करना है कि जो फोटोकेमिकल क्लोरीनेशन अगर कराया जाए तो सिंगल मोनो क्लोराइड प्रोडक्ट दे। तो क्यों ना पहले हम इसका आइसोमर्स बना लें। तो अगर आइसोमेरिज्म के लिए हमने क्या बताया, आपको सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होना चाहिए, बट जो उनकी नोमेनक्लेचर जब करेंगे तो वो डिफरेंट आएगा। तो आइए देखते हैं क्या क्या पॉसिबिलिटी है। 1, 2, 3, 4, हम यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप लगा दें, लेट से बॉन्ड लाइन ना करके हम नॉर्मल कर लेते हैं, CH3, CH2, CH, CH3 एंड CH3। अगेन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला 1, 2, 3, 4, 5, C5, 3, 3 एंड 9 और 3, 12। C5H12 सेम है लेकिन ये ब्यूटेन है और यहाँ सॉरी ये पेंटेन है और ये जो है वो 2-methyl-butane है, मतलब ये एक दूसरे का आइसोमर है। अब और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, और पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि अगर हम CH3 को यहाँ पर लगा दें तो कोई चेंज होगा क्या, कोई चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि आप फिर जब नंबरिंग इधर से करेंगे तो सेम मॉलिक्यूल बनेगा। अगर आप CH3 को यहाँ ना लगाकर यहाँ करें तो मॉलिक्यूल तो सेम ही बनेगा, फिर आप नंबरिंग इधर से करेंगे तो सेम 2-methyl-butane बनेगा और इधर से भी 2-methyl-butane है, मतलब ये आइसोमर नहीं बनेंगे, तब हमें कुछ डिफरेंट सोचना होगा। डिफरेंट सोचने के लिए हम CH3, CH2 एंड यहाँ पे हम CH रखते हैं, CH3, एक मिनट, CH3, CH3, CH3 एंड CH3, ये डिफरेंट आया क्योंकि इसकी नेमिंग हम 2,2-methylpropane करेंगे, 2,2-dimethylpropane करेंगे एंड इन दोनों का नामकरण डिफरेंट है, मतलब ये एक आइसोमर होगा। अब हमें जो करना है, इन दोनों जो हमें आइसोमर्स इनके जो फॉर्म हुए हैं इनमें से हमें उनको चूज करना है जो सिंगल मोनोक्लोराइड प्रोडक्ट दे, फर्स्ट आंसर जो हमारा मांगा जा रहा है। तो अगर हम इसमें हैलाइड एक्सचेंज कर दें, सॉरी हैलाइड एक्सचेंज नहीं, एक मोनोक्लोरीनेशन करा दें Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ HNO, अगर हम मोनोक्लोरीनेशन करा दें तो कोई एक हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करेगा ये, आप इस हाइड्रोजन को निकाल के एक हाइड्रोजन क्लोरीन ऐड करें या इसको ऐड करें या इसको या इसको, सभी कॉमन है, तो CH3, CCH3, CH3 एंड CH2 Cl, ये आपका फर्स्ट आंसर होगा। क्या जहां तक बात समझ में आ रही, इसके आप नॉमेनक्लेचर जब करेंगे 2,2-dimethylpropane आएगा और ये अगर हम इनकी मोनोक्लोरीनेशन कराएं तो ये एक ही प्रोडक्ट फॉर्म होगा। जैसा कि हम अपने पिछले लेक्चर में बताया था कि आप ये क्लोरीन जो है डिफरेंट डिफरेंट हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर सकता है, और इस पे बेसिस पे एक मैंने एक एग्जांपल भी कराया था, ये सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, बस बशर्ते इसमें
आइसोमेरिज्म की कुछ चीज़ें ऐड कर दी गई हैं। फिर जो दूसरा है इसी में, वो कह रहे हैं कि थ्री आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड्स फॉर्म हो, मतलब एक ऐसा ये पेंटेन का आइसोमर जिसकी अगर हम मोनोक्लोरीनेशन कराएं तो तीन तरह के प्रोडक्ट फॉर्म हो। आइए देखते हैं वो कौन सा होगा। हमने क्या किया, हमने इस पेंटेन का आइसोमर्स फॉर्म किए। एक आइसोमर हमारा निकला ये CH3 CH2 CH CH3 एंड CH3। दूसरा आइसोमर निकला ये CH3 C CH3 CH3 एंड CH3। ये हमारा नियोपेंटाइल है और ये हमारा आइसोपेंटाइल है। अब बेसिकली IUPAC नेमिंग देखें, क्योंकि IUPAC नेमिंग ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। तो ये हमारा आइसोमर हो गया। हमने इसका तो डिसाइड कर लिया कि अगर इसकी एक ही तरह के हाइड्रोजन सब हैं, सभी हाइड्रोजन्स सेम तरह के हैं, तो ये जो है एक ही प्रोडक्ट देगा, है ना। तो हमने इसका क्या बताया कि हमारा जो मोनोक्लोरीनेशन प्रोडक्ट जो देगा वो ये वाला होगा। अब जो हमें सेकंड क्वेश्चन में करना था वो ये करना था कि हमें तीन प्रोडक्ट बनाने थे। अब बात है इसके आइसोमर्स कौन से हैं पेंटेन के, जो तीन प्रोडक्ट अगर हम मोनोक्लोरीनेशन कराएं तो मोनोक्लोरीनेशन में तीन प्रोडक्ट देने के लिए उसके पास तीन तरह के हाइड्रोजन होने चाहिए। तो अगर हम इसकी बात करें तो इसमें तो एक तरह का हाइड्रोजन था सिर्फ, सभी हाइड्रोजन 1 डिग्री थे। अगर हम इसकी बात करें तो ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन सेम है। अगर हम इस टाइप के हाइड्रोजन को ए नाम दे दें तो ये भी ए है। अगर हम इसकी बात करें तो ये 1, 2, 3 तीन कार्बन से ये वाला कार्बन अटैच है, मतलब ये टर्शरी कार्बन है, 3 डिग्री कार्बन, तो ये हाइड्रोजन भी 3 डिग्री हाइड्रोजन है, तो इसको हम बी नाम दे देते हैं। अगर इसकी बात करें तो ये 2 डिग्री है जो कि 2 कार्बन से अटैच है, इसको हम सी नाम दे देते हैं। और ये 1 डिग्री है और इससे डिफरेंट है तो इसको हम डी नाम दे देते हैं। इसमें 4 तरह के हाइड्रोजन है, वो A, B, C, D। तो अगर हम इसकी मोनोक्लोरीनेशन कराएं, अगर हम इसकी मोनोक्लोरीनेशन कराएं तो हर एक टाइप के हाइड्रोजन को ये सब्स्टिट्यूट कर सकता है और 4 तरह के प्रोडक्ट देगा। लेकिन हमें तो 3 का डिसाइड करना था और इसके आइसोमर्स तो यही दोनों बन सकते हैं, तो क्यों ना हम पेंटेन पे ही चेक कर लें। अगर हम पेंटेन पर चेक करें तो हमारा जो है CH3 CH2 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 एंड CH3, ये है हमारा पेंटेन। अगर हम टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स की बात करें तो ये हमारा क्या है, ये 1 डिग्री कार्बन है, इससे अटैच जितने भी हाइड्रोजन होंगे वो भी 1 डिग्री हाइड्रोजन होंगे। हम 1 डिग्री हाइड्रोजन को ए मान लेते हैं। अगर हम बी की बात करें तो बी जो है 2 डिग्री हाइड्रोजन है, सी एंड सी से अटैच्ड है, इसको हम बी मान लेते हैं। और अगर हम सी की बात करें तो ये भी 2 डिग्री है, नो डाउट, बट इस बी वाले से डिफरेंट है, सी है। कैसे है मैं आपको सब्स्टिट्यूशन के थ्रू बता देता हूँ। मैंने माना कि CH3 CH2 CH और CL को इसने सब्स्टिट्यूट किया, इस वाले हाइड्रोजन को इसने सब्स्टिट्यूट किया क्लोरीन। दूसरा बी वाले को सब्स्टिट्यूट किया CH3 CH2 CH2 CH CH3 एंड CL। फिर हमने माना कि ए वाले को सब्स्टिट्यूट किया, कुछ इस तरह का प्रोडक्ट बना। अब आप इसकी नेमिंग कर लीजिए। आप अगर नेमिंग करेंगे तो अगर यहां से करेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5 ये कितना आएगा, 3-chloro-pentane आएगा। ये कितना आएगा, 1, 2 ये आएगा 2-chloro-propane, पेंटेन।
and this one, this one is 1-chloropropane, sorry, propentane, 1-chloropentane. सबका मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम है, बट तीनों के डिफरेंट डिफरेंट नेमिंग आ रही है. इसका मतलब एक दूसरे क्या है, इसोमर्स हैं. एंड वही तो हमें डिफाइन करना था, हमें सिर्फ उस आइसोमर को फाइंड आउट करना था जिससे कि तीन तरह के हमें मोनोहैलोजन प्रोडक्ट बन सके. तो हमारा आंसर क्या होगा, पेंटेन होगा. अगर हम इसी का मोनोहैलोजनेशन रिएक्शन कराएं तो जो एक हैलोजन अटैच होगा वो तीन तरह के प्रोडक्ट्स बना सकता है. और अगर इसी का नेक्स्ट पार्ट आप देखें तो नेक्स्ट पार्ट में बोला जा रहा है कि हमें वो डेरिवेटिव चूज करना है जिसमें चार तरह के प्रोडक्ट बने. तो वो आपको तो पहले ही आंसर मिल चुका है, कौन सा होगा, ऊपर वाला होगा, दिस वन. और इसकी नेमिंग करें तो हम क्या होगा, टू मिथाइल ब्यूटेन. इस टू मिथाइल ब्यूटेन का अगर हम मोनोक्लोरिनेशन करें तो एक ए को सब्स्टिट्यूट कर सकता है, बी को कर सकता है, सी को कर सकता है, डी को कर सकता है. आप करके देख लीजिएगा, चारों डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स बनेंगे. चारों के आप नेमिंग करिएगा, नेमिंग डिफरेंट आएंगे तो वो चारों आइसोमर्स होंगे एक दूसरे के. तो ये होगा हमारा थर्ड आंसर, एंड ये होगा हमारा सेकेंड आंसर, और ये होगा हमारा फर्स्ट आंसर. क्या मेरी बात क्लियर हुई? अगर हुई तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं. एंड जो लास्ट क्वेश्चन है इन टेक्स्ट क्वेश्चन का, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं. ये बेसिकली कुछ रिएक्शन गिवन है, आइए देखते हैं क्या होगा इसमें. अगर हम फर्स्ट देखें तो एक 2 डिग्री अल्कोहल गिवन है जिसका हम थायोनिल क्लोराइड SOCl2 से रिएक्शन करा रहे हैं और हमें प्रोडक्ट बनाना है. इस रिएक्शन को मैंने आपको बताया था, बस अगर हमने क्या किया था, सब्सट्रेट दूसरा लिया था. यह सब्सट्रेट जो है हमने दूसरा लिया था, थायोनिल क्लोराइड के साथ मैंने रिएक्शन आपको सिखाया था. ये SNI रिएक्शन है और जो रिएक्शन का प्रोडक्ट बनता है वो OH को सब्सटीट्यूट कर देता है Cl. ये हमारा आंसर होगा. अगर हम सेकेंड क्वेश्चन की बात करें तो सेकेंड क्वेश्चन में हमारा बेंजीन है, CH2CH3 है, एंड CH2CH3 के पैरा पोजीशन पर NO2 ग्रुप है. इसके रिएक्शन हम कराते हैं Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ HNO या फिर लाइट. तो इसमें क्या होगा, इसमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन. कि ये जो बेंजीन है ये CH एंड CH3, और यहाँ पे एक ब्रोमीन आके ऐड हो जाएगा, ये होगा हमारा प्रोडक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक अल्कोहल है और प्लस एक HCl से रिएक्शन गिवन है और फिर हीट किया हुआ है. इस रिएक्शन को मैंने आपको बताया था, बड़ा ही आसान सा सवाल है. ये कौन सा रिएक्शन होगा, SN रिएक्शन होगा, बेंजीन पैरा पोजिशन पर OH, CH2OH एंड HCl. HCl क्या होगा, H+ एंड Cl देगा, एसिड है तो H+ एंड Cl. इस OH पर ये H+ जाके अटैक करेगा तो इसको H3O+ में कन्वर्ट कर देगा, सॉरी H2O+, और यहाँ पर OH. अब फर्दर क्या होगा, अब ये तो इसके ऊपर तो चार्ज आ गया तो ये वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से निकल जाएगा और जो Cl- है वो यहाँ पर ऐड हो जाएगा. तो जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट होगा वो ये होगा. ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मैंने आपको बताया था, ये एक तरह का क्या है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है. अब जो हमारा नेक्स्ट रिएक्शन है फोर्थ, वो एक एडिशन रिएक्शन है.
अगर आप फोर्थ क्वेश्चन को देखें तो फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, एक अल्कीन गिवेन है, साइक्लिक अल्कीन। अगर साइक्लिक इन है तो इसमें क्या होगा, एडिशन रिएक्शन होगा। एंड सीस एच आई पर ऑल्दो इसमें परोक्साइड गिवेन भी नहीं है, और गिवेन होता भी तो इसमें परोक्साइड इफेक्ट नहीं यूज होता, परोक्साइड इफेक्ट जो है सिर्फ और सिर्फ एच बी आर पे एप्लीकेबल होता है। तो जो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स ज़्यादा होंगे वहाँ पर हाइड्रोजन अटैच होगा, एंड जहाँ पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स कम होंगे वहाँ पर हमारा आयोडीन ऐड होगा। तो अगर आप देखें तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन एटम है और यहाँ पर एक भी हाइड्रोजन नहीं है, क्योंकि इसकी कार्बन चार वैलेंसी कार्बन की दो डबल बॉन्ड ने कंप्लीट कर दी, एक मिथाइल ने और एक इस ग्रुप ने। एंड यहाँ पर एक हाइड्रोजन एटम है, तो जहाँ पर हाइड्रोजन एटम ज़्यादा वहीं पर हाइड्रोजन, तो यहाँ पर हाइड्रोजन आके लग जाएगा। एंड यहाँ पर हाइड्रोजन एटम्स की मतलब लेस हैं, जहाँ पर जीरो हैं वहाँ पर आयोडीन आके ऐड हो जाएगा। समझ में आया? आप अगर फिफ्थ एग्जांपल देखें तो ये हैलाइड एक्सचेंज है, CH3CH2Br एंड NaI, ये I माइनस क्या है इसको सब्सटीट्यूट कर देगा, Br लिविंग ग्रुप की तरह जाएगा और आयोडीन आके इसको सब्सटीट्यूट कर देगा। अब आप इस अल्किन को देखें तो इस अल्किन की अगर हम बात करें तो अगर हमारा HBr होता है यहाँ पर Br2 की जगह, तो हम एक जगह H ऐड करते हैं और दूसरी जगह Br, बट सॉल्यूशन में H है ही नहीं, तो इसका मतलब क्या होगा, दोनों जगह Br ऐड होगा, तो यहाँ पर एडिशन क्या होगी, डाई हैलाइड होगी, दोनों ही जगह ब्रोमीन ऐड हो जाएगा। बात समझ में आई? तो यहाँ पर हमारा ख़त्म होता है इंडेक्स क्वेश्चन, जिसको हमने डिस्कस कर लिया। अब आगे हमें पढ़ना है फिजिकल प्रॉपर्टीज, और उसके फर्दर आगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस वगैरह हैं, तो उन्हें हम अपने अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। टिल दैट थैंक यू सो मच।